कोरोना से तो डर लगता है, लेकिन टेस्ट करवाने से और भी ज्यादा डर लगता है। अब इस महंगाई के दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो जेब तो आपको ढीली करनी ही पड़ेगी, जो कि बड़ा ही कष्टकारी होता है। लेकिन वैक्सीन के साथ ही अब आ गई है एक और खुशखबरी। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के टेस्ट की कीमतों को घटा दिया गया है। कहां कहां और कितने में होगा कोरोना का टेस्ट, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में हर दिन इस महामारी से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इस बीच राज्य की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की RT-PCR टेस्ट जांच की कीमत 2400 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दी है। हालांकि घर घर जाकर लिए गए नमूनों की कोरोना जांच के लिए 1200 रुपए देने होंगे। सरकारी अस्पतालों में तो RT-PCR टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। दिल्ली की प्राइवेट लैब से ये भी कहा गया है कि वो नमूने की जांच कर रिपोर्ट को ग्राहक के साथ साझा करें और नमूने लेने के 24 घंटे के अंदर ही सभी रिपोर्टों को पोर्टल पर अपडेट करें। बाकी राज्यों में RT-PCR जांच की कीमत क्या क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने मार्च में RT-PCR जांच के लिए 4500 रुपए की प्राइस कैप लगाई थी, लेकिन 2 महीने बाद इसे हटा दिया गया था। इसके बाद ICMR ने राज्यों को इसके बदले रेट तय करने को कहा था। फिलहाल बात करते हैं कर्नाटका की। सरकार की ओर से भेजे गए नमूनों की कीमत यहाँ पर है 800 रुपए और अगर आप खुद प्राइवेट लैब से जांच कराना चाहते हैं तो 1200 रुपए की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। घर घर जाकर लिए गए नमूनों की जांच के लिए 1200 ही रुपए है। उत्तर प्रदेश में RT-PCR टेस्ट की मैक्सिमम कीमत है 1600 रुपए। उत्तराखंड में RT-PCR टेस्ट की अधिकतम कीमत है 800 रुपए। राजस्थान सरकार ने RT-PCR टेस्ट की मैक्सिमम कीमत 1200 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दी है। मेघालय में रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 500 रुपए है और RT-PCR और ट्रूनेट टेस्ट की कीमत 3200 रुपए है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना की RT-PCR जांच की कीमत 2250 रुपए से घटाकर 1500 रुपए कर दी है। केरल सरकार ने कोरोना की RT-PCR जांच की कीमत 2750 से घटाकर 2100 रुपए कर दी है। कोरोना वायरस से अब तक करीब 94 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा की जान जा चुकी है। आज देश में कोरोना के 31,118 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 482 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामले के बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में है। वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। बता दें कि देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। तो रखिए अपना ख्याल। अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो खुद को जरूर क्वारंटीन कर लीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP Uncut। ABP News, आपको रखे आगे।